मेरे परिवारजनों, कल ही छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। लेकिन फिर भी हम छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले गए। अब छत्तीसगढ़ 25 साल का होने वाला है और 25 साल होने का मतलब क्या होता है? परिवार में बेटे बेटियों के जीवन में भी ये 25 साल आयु वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन बेटी, थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो? ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मैं मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है। आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार, बदहाल स्कूल अस्पताल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घुसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस शासन में आपको नौकरियों की बंदरबांट, हत्या, अपराध, हिंसा, यही सब कुछ मिला है। इसलिए
तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन, आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है आओ नई साहेबो, आओ नई सहीबो, आओ नई सहीबो, बदल के रही वो।